गिवन आपका वाई इक्वल टू 3 sin x साइन थीटा है, तो थीटा ले लीजिएगा, प्लस 4 cos थीटा, तो इसकी रेंज हो जाएगी माइनस में √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कोमा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 5 root, सॉरी 5, तो ये इसकी रेंज हो गई है भाई, ये इसकी रेंज हो गई। इस तरीके से हमने 100 कट निकाल लिया है। अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हम इजीली कर सकते हैं। अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हम इजीली कर सकते हैं। बार बार लिखिएगा फॉर्मूले को और अप्लाई कीजिएगा, साथ साथ याद हो जाएगा आपके। हाँ जी, ये आपका फॉर्मूला ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन आपके पास y इक्वल टू 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 5। आप बोलोगे सर क्वेश्चन पहले वाले की तरह ही है लेकिन इसमें 5 ऐड किया गया है। तो सर हमें रेंज पता थी, थोड़ी देर पहले हमने निकाला था, रेंज थी हमारी सर -5 से 5, लेकिन सर इस 5 का क्या करें। अरे ये ऐड हो रहा है तो ऐड कर दीजिएगा। सर ये किस में ऐड करें, पहले में ऐड करिए, अपर में करें या लोअर में करें। भाई जब ऐड ही करना है तो दोनों में होगा, तो ये हो जाएगा -5 प्लस 5 और ये +5 प्लस 5, तो रेंज क्या आ जाएगी आपकी, रेंज आ जाएगी 0 to 10। इजी है, बहुत इजी है। इस तरीके ये बेस है आपका, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं लेकिन ये बेस है आपका, ये काम आएंगे जब बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, जैसे मेंस जैसे एडवांस में ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन आएंगे। बड़े क्वेश्चन नहीं आते, थोड़े लेवल के क्वेश्चन आते हैं।